उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने वाले दावे पर कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कहां जाएं। बीजेपी की झोली में सारी सीटें डालने का छत्तीसगढ़ की जनता ने अब तय कर लिया है। मोदी की गारंटी और 10 साल के काम के आधार पर 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। वही कांग्रेस नेताओं और भूपेश बघेल के रायबरेली दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बार बार जिस बात को हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, इतनी जगह पर चुनाव हो गए हैं लेकिन सिर्फ रायबरेली पर फोकस क्यों, जब वहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई तो वहां के सांसद कहां थे, अनेक मौत अनेक दुर्घटनाएं हुई, गांधी परिवार लोगों के दुख को बांटने नहीं गया, रायबरेली की जनता ने भाजपा को जिताने का मूड बना लिया है। वहीं महादेव सट्टा ऐप को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कानून के अंतर्गत अलग अलग एजेंसी अलग अलग कार्य क्षेत्र के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं, एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जांच कर रही है। और रायबरेली की जनता ने तो तय कर लिया है, रायबरेली की जनता हिसाब पूछ रही है कि वो सांसद निधि का पैसा सोनिया गांधी जी ने कहां लगाया। रायबरेली की जनता पूछ रही है जब वहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ये गांधी परिवार और सोनिया गांधी वहां के सांसद कहां थे। कई ऐसी घटनाएं हुई, अनेक लोगों की मौतें हुई, अनेक बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, पर वहां ये गांधी परिवार लोगों के दुख को बांटने के लिए गए नहीं। आज किस अधिकार से अपने परिवार की सीट अपना परिवार कह रहे हैं? ऐसे परिवार जो दुख के समय खड़े ना हो, तो आज तो रायबरेली की जनता पूछ रही है ये गांधी परिवार के लोगों से कि आखिर कहां थे। प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैंने आपसे बताया कि रायबरेली की जनता को भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा कि आखिर खूब जोर जोर से चिल्ला कर बोलते थे छत्तीसगढ़ मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल, आखिर छत्तीसगढ़ में आपका मॉडल क्यों फेल हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको घर क्यों बिठाया, ये भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा। और भूपेश बघेल को ये भी बताना पड़ेगा कि ये गांधी नेहरू परिवार रायबरेली की जनता के दुख के समय तकलीफ के समय दुर्घटनाओं के समय कहाँ थे वो गांधी परिवार जो रायबरेली को अपनी सीट मानते हैं अपनी परिवार की सीट मानते हैं, पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। रायबरेली की जनता ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब तैयार कर लिया है, वहां से उन्हें बैरंग वापस आना पड़ेगा। ठीक है, साथ बैठे।